मल्टी ब्रांड रिटेल वोट नहीं डाला। वॉलमार्ट के 9826 स्टोर्स पूरे दुनिया में। भारत में होलसेल कैश एंड कैरी के कारोबार में 100% FDI की अनुमति मिलने के बाद रिटेल का कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने भारत के व्यवसायी सुनील मित्तल की कंपनी भारती इंटरप्राइजेस के साथ 50-50% की हिस्सेदारी के साथ अपना पहला स्टोर सन 2009 में अमृतसर में खोला। अभी इस कंपनी के भारत के 8 राज्यों में बेस्ट प्राइस के नाम से 20 होलसेल कैश एंड कैरी स्टोर हैं। हालांकि भारती इंटरप्राइजेस ने अक्टूबर 2013 में अपने 50% शेयर भी वॉलमार्ट को बेच दिए। आज की तारीख में वॉलमार्ट अकेले होलसेल बिजनेस टू बिजनेस कारोबार देश में कर रही है। रिटेल के क्षेत्र में वॉलमार्ट ने चाइना में 116 स्टोर खोलने के लिए $117.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि भारत में अपने 20 स्टोर खोलने के लिए $27.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और अब वॉलमार्ट सन 2016 तक अपने स्टोरों की संख्या 50 तक बढ़ाना चाहती है। वॉलमार्ट भारत में FDI की लॉबिंग करने के मामले में सुर्खियों में रहा है। बेस्ट प्राइस के नाम से खोले गए वॉलमार्ट के स्टोरों में 5000 से भी ज्यादा रोजमर्रा की जरूरतों का सामान मिलता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ये विदेशी कंपनी होलसेल के नाम पर लाइसेंस लेकर रिटेल के कारोबार में अब पूरी तरह लिप्त हो गई है। होलसेल में 100% FDI के बाद भारत सरकार ने इन कंपनियों को लाइसेंस इस शर्त पर दिया कि ये कंपनियां अपना माल उन्हीं संस्थाओं को या व्यापारियों को बेचेंगी जो अपना माल आगे उपभोक्ताओं को बेचेंगे। कोबरा पोस्ट की टीम ने जब वॉलमार्ट के तमाम राज्यों में फैले स्टोरों का जायजा लिया तो हकीकत चौंकाने वाली थी। वॉलमार्ट FDI की शर्तों को ताक पर रखकर सीधे तौर पर अपना माल घरेलू उपभोक्ताओं को बेच रहा है। मतलब बिजनेस टू बिजनेस की पहली शर्त थी वॉलमार्ट के स्टोर से नदारद दिखी। मालूम हो कि रिटेल के क्षेत्र में अभी FDI को भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी है और होलसेल कैश एंड कैरी कारोबार में सीधे तौर पर अंतिम उपभोक्ता को स्टोर का माल बेचना गैर कानूनी है। सारा सामान आप घर के लिए खरीदते हैं? घर के लिए ही शॉपिंग करते हैं। अच्छा, कार्ड कैसे इजीली बन जाता है घर के लिए? कार्ड हाँ, यहाँ पर उसके मेरे फ्रेंड की शॉप है, उसके ऊपर मेरा कार्ड बना हुआ है। अच्छा, एड ऑन कार्ड है मेरा। एड ऑन कार्ड से फिर आप पर्सनल शॉपिंग कर रहे हैं? पर्सनल शॉपिंग कर रहे हैं एड ऑन कार्ड से। सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम भूल जाते हैं, जो कि हमें बोला जाता है कि ये लिया ना, लेकिन एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अपन को ध्यान नहीं रहता क्या लेना आएगा। लेकिन जब जो डिस्प्ले दिया गया है ना, उस हिसाब से हम अपने घर की जितनी भी वस्तुएं ले जानी है वो ले जा सकते हैं। हमें सूचना मिली कि अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट होलसेल की आड़ में रिटेल का कारोबार कर रही है। इस सूचना की सच्चाई जानने के लिए वॉलमार्ट के होलसेल कैश एंड कैरी स्टोरों का दौरा करना जरूरी था। कोबरा पोस्ट की टीम ने दिल्ली से लगे आगरा में वॉलमार्ट के स्टोर का जायजा लिया, जहां हमारे रिपोर्टर की मुलाकात हुई वॉलमार्ट के सेल्स मैनेजर सतपाल खुराना से। हमारी टीम ने सतपाल को बताया, हम फूड कोर्ट में फूड सप्लाई का काम करते हैं और अब इस व्यवसाय के साथ हमने दिल्ली और NCR में तमाम हाउसिंग अपार्टमेंट में अपने मेंबर बनाए हुए हैं। हमारी टीम ने यह भी बताया कि अगर हम इन मेंबरों से कमीशन लेकर आपके स्टोर पर डायरेक्ट घरेलू शॉपिंग कराते हैं तो क्या आपका स्टोर हमारे मेंबरों को बेस्ट प्राइस में अपने घर के लिए सामान खरीदने की इजाज़त देगा? होलसेल के कारोबार में इस तरह किसी भी गैर व्यवसायी व्यक्ति को स्टोर से खरीदारी की अनुमति नहीं है। ये जानने के बावजूद स्टोर के सेल्स मैनेजर सतपाल इस गैरकानूनी काम के लिए तैयार हो गया। सतपाल ने कहा, 8 बन जाएंगे, शुरू में 3 बनेंगे, 4 और बन जाएंगे, साल में तो ये उस पे कर सकते हैं, बट ये है कि 2-3 ही फैमिली हैं, तो मतलब ये है कि जैसे 10-15 लोग आ गए, अब उन्होंने अपना अलग अलग किया और अलग अलग बिल रख के ले गए। वो तो हम पूरी कर दें। अच्छा, एक चीज और मुझे जाननी थी
इन केस मेरा अगर ये पर्पस हो कि मतलब मैं आपकी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूँ, लेकिन हमारा वहाँ पर जो सोसाइटी है उनसे कांटेक्ट है, मैं इंडिविजुअल शॉपिंग कराने के लिए लेके आया हूँ, आप जो फॉर्मेलिटी बताएंगे हम कंपनी तरफ से पूरी कर देंगे, तो कैसे हो सकता है? आप आएंगे ना? मैं आऊँगा। आपके कार्ड पे शॉपिंग हो जाएगा? कितने लोगों का मतलब एक सोसाइटी, एक आप जब आएंगे तो कितने लोग आएंगे आपके साथ? मेरे साथ तो 100 लोग भी आ जाएंगे, हम गाड़ी लेंगे, गाड़ी में भरेंगे बस टाइप का और शॉपिंग करा के उन्हें वापस छोड़ देंगे। हालांकि वैसे यहाँ अलाउ है एक कार्ड पे एक के साथ दो आ सकते हैं, बट आप कह रहे हैं कि एक कार्ड पे उनको बिल अलग अलग चाहिए होगा? अलग अलग मिल जाएगा और अच्छा। उसमें सर ये कर सकते हैं कि एक कार्ड पे कम से कम 8 कार्ड, एक फॉर्म पे 8 कार्ड बनते हैं। 8 बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे, शुरू में 3 बनेंगे और 4 और बन जाएंगे 7। अच्छा, तो ये कि उस पर कर सकते हैं, बट ये कि 2-3 ही फैमिली है तो मतलब ये है कि जैसे 10-15 लोग आ गए, अपन उन्होंने अपना अपना अलग अलग किया और अपना अपना अलग अलग बिल। अच्छा, वो कार्ड से अलग अलग हो जाएगा जो 8 कार्ड बनेंगे, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे पता है कि 2 ही कार्ड बनते हैं, वो एक वो नौकरी कर रहे हैं, हम लोग सेल्स का काम देखते हैं, वो बाबू नाम की चीज़ है, उनको जुगाड़ दी बता, जुगाड़ पता। सेल्स मैनेजर सतपाल ने वॉलमार्ट की सारी सच्चाई हमारे सामने खोल कर रख दी। सतपाल ने हमें बताया कि वॉलमार्ट में कई ऐसे मेंबर भी हैं जिनका कोई बिजनेस नहीं है और वे अपने घरेलू सामान इसी स्टोर से खरीदते हैं। मैनेजर ने कहा, करते ही हैं सब, यहाँ पे लोग करते ही हैं। मतलब पर्सनल लोग हैं ऐसे मेंबर बने हुए आपके? हाँ देखिए, यहाँ 3 सेक्टर है, तो जो मैं सेक्टर देखता हूँ उसमें 7 कार्ड बन सकते हैं, इसलिए मैं आपका 7 कार्ड लीगल वे में बना सकता। जो प्राइमरी कार्ड होल्डर होगा उसी की अथॉराइजेशन, अगर आप प्राइमरी कार्ड होल्डर हैं तो आपको मुझे अथॉराइजेशन चाहिए, उससे मैं कार्ड। मैंने आपको मतलब अपना मोटिव साफ साफ बता दिया, तो समझ गया कि मैं मतलब बिजनेस डील नहीं करूँगा, फॉर्मेलिटी पूरी कर दूँगा और इंडिविजुअल लोगों को लेके शॉपिंग करूँगा। हाँ, हो सकता। बिल भी अलग अलग करते ही हैं सर, यहाँ पर लोग करते ही हैं ऐसे हैं। आप कितने मेंबर हो? कुछ तो कुछ क्या है कि सोसाइटी के लोग शॉपिंग करते हैं, वो क्या करते हैं 1-2 लाख का पूरा सामान ले लेते हैं और बिल ले लिया, फिर जो सोसाइटी को दिया तो चूंकि उन्होंने यहाँ से बिल लिया अपनी सोसाइटी पे, अब अपनी सोसाइटी को दूसरे को दे रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, उन्होंने अपना बिल काट के दिया ताकि आना और जाना दोनों अकाउंट मेंटेन हो सके और दोनों का बिल वो मेंटेन रखते हैं, जो हमसे लिए वो और जो आगे बेचो वो। अच्छा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कार्ड ना बनाए, कार्ड भी आप अरेंज करते हैं? हमें कार्ड तो बनाना पड़ेगा। सतपाल ने हमारी छानबीन में खुलासा किया कि वॉलमार्ट के इस स्टोर में एंट्री कार्ड बनाना कितना आसान है। उसने बताया कि FDI की गाइडलाइनों को ताक पर रखकर कैसे एक गांव के प्रधान के रिकमेंडेशन लेटर से कार्ड बन जाता है। मतलब मैं यहाँ पे देख रहा था कि पर्सनल लोग भी शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो सब करते हैं, पॉसिबल नहीं है होलसेल वाला, मतलब कितने लोग करेंगे? इंडिविजुअल का फायदा ज़्यादा मिल जाता है, हम भी कुछ देखिए जो आसपास के लोग हैं ना वो यहाँ से जरूर करते हैं, क्योंकि फायदा उनको कहीं ना कहीं है, 10-15% का मार्जिन है। जो छोटे दुकानदार हैं वो भी ले जाते हैं, जो घर में सामान यूज़ करते हैं वो भी यहाँ से ले जाते हैं, बस जिनका ना तेल लगना है ना भाड़ा लगना है, वॉक करने आए इवनिंग में अपना ले गए, 6-7 घर वाले लोग मिल के आए अपना ले गए। लेकिन उनके पास कार्ड कहाँ से होंगे? कार्ड देखिए कई चीज़ पे बनता है, ग्राम प्रधान के थ्रू भी बनता है, कांटा पर्ची में भी बन जाता है। ग्राम प्रधान के थ्रू? हाँ, जिसके पास कोई पेपर नहीं ग्राम प्रधान के थ्रू अप्रूव हो जाए वो बन जाएगा। अच्छा, ये गाँव की वजह से यहाँ पर उसी में हमारा भी गाँव प्रधान टाइप का हो जाएगा। वॉलमार्ट के इस स्टोर में कई ऐसे लोग दिखे जो अपने घर के प्रयोग के लिए सामान खरीद रहे थे। अपने यहाँ से सब? आपकी दुकान है कोई? नहीं, घर के लिए भी लेते हैं। घर के लिए मिल जाता है? कितनी तक की शॉपिंग कर सकते हैं आप? 1,000 से ऊपर की कर सकते हैं आप, कितनी भी कर सकते हैं।
कार्ड बनवाना जरूरी है? कार्ड कार्ड बनवाना है, दुकान वालों का बनता है कार्ड? हाँ, दुकान वालों का तो वैसे ही बनवा लेते हैं। वॉलमार्ट के पंजाब में सबसे ज्यादा 5 होलसेल स्टोर हैं। हमारी इस छानबीन का अगला पड़ाव था पंजाब का एक और शहर जालंधर। यहां हमारे रिपोर्टर की मुलाकात हुई जालंधर वॉलमार्ट स्टोर के सेल्स मैनेजर संजीव सेठी से। संजीव के सामने भी हमने वही पुरानी कहानी दोहराई। संजीव को भी हमारे इस गैरकानूनी काम से कोई आपत्ति नहीं थी। संजीव ने कहा, वन टाइम क्या 3 कार्ड? तीनों कार्ड होल्डर आएंगे तो उसके साथ हम एक एक कार्ड के साथ 2 बंदे और अलाउ कर देंगे, तो 3 से 9 हो जाएंगे। बताइए सर, बताइए। मेरी एक्चुअली एक मीटिंग चल रही है अंदर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो सर, उन सोसाइटियों को, मुझे मेरे मेंबर्स हैं उनको लेके आना है, और फॉर्मेलिटी जो है मैं कार्ड की, वो आप 3 कार्ड देते हो, वो मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने अपनी कंपनी का देते हैं। तो सर 3 कार्ड भी 9 बंदे आपको अलाउ करेंगे। वन टाइम क्या 3 कार्ड, तीनों कार्ड होल्डर रहेंगे तो उसके साथ हम एक कार्ड के साथ 2 बंदे और अलाउड कर देंगे, तो 3 पे 3 9 हो जाएंगे। कितने बंदे आपके पास है? 100 हम सर 100 में, मेरा पड़ता तो 100 में खाएगा ना, 100 बंदा। हाँ, और 100 भी 2-3 बार शॉपिंग करेंगे आपको, आपको कम से कम जालंधर के वॉलमार्ट के इस स्टोर मैनेजर से हमने साफ साफ कह दिया था कि हम हाउसिंग अपार्टमेंट के लोगों को पर्सनल शॉपिंग कराना चाहते हैं। हमारी टीम ने उसे बताया कि हमारी टीम 100 मेंबरों को बस में भरकर लाएगी और आपके स्टोर से ये 100 लोग अपने घर की जरूरत का सामान खरीदेंगे। संजीव ने हमें सुझाव दिया कि पहली बार हम 20-25 लोगों को ही बस में लेकर आएं। एक बार रूटीन में आने के बाद हम अपने अधिकारियों से बात करके आपका अलग से इंतजाम कर देंगे। उसने कहा, आप एक स्मॉल बस लेकर आओ फर्स्ट टाइम, वी विल सी कि आगे क्या होता है, कैसा रहता है, फिर हम आपको अलाउ कर देंगे। आप 25-30 बंदे लेके आइएगा। आप कितने बंदों को लेके आना चाहते हो? मैं तो मैक्सिमम एक बस में आ जाते हैं 50 से 100 तक, बीच में जितना भी हो जाए। आप वो बस होल्डर अपने मेंबर्स को लेके आओगे, परचेजिंग आपके कार्ड पे होगी? हाँ जी। आप ऐसा कीजिए, आपके पास 3 कार्ड होंगे, 3 कार्ड होल्डर होना जरूरी है आपके। वो तो आप बोलोगे मुझे ऐड ऑन कार्ड एक के साथ। तीनों कार्ड आपके पास होने चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के पास अपने कार्ड बने हो उनमें से। नहीं, बने नहीं है, तभी तो मैंने मेंबर बनाया उनको। हमारा काम ही है, NRI फैमिली है, उनको मेंबर बना रखा हमने। अलग अपना लॉजिक इसको स्टोर बनने के बाद शुरू किया है, क्योंकि वो इंडियन नहीं, उनको मैं रिलीफ दे रहा हूँ। आप एक उसको स्मॉल बस लेके आओ जी फर्स्ट टाइम, वी विल सी कि आगे क्या होता है, कैसा रहता है, फिर हम आपको अलाउ कर देंगे। आप 25-30 बंदे लेके आओ फर्स्ट टाइम, तो एंट्री में उनको दिक्कत तो नहीं आएगी? एंट्री में मैंने आपको नंबर दे दिया जी। आप आने से पहले, जैसे आपने कल आना तो मेरे को आज फ़ोन कर लेंगे जी, तो 2-3 दिन पहले इंटीमेट कर देना। अच्छा, तो सारे लोग पर्सनल शॉपिंग करेंगे अपने घर की? हम आपके कार्ड पे शॉपिंग करवाएंगे जी, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं जी। अच्छा, ये हो सकता है कि कभी कभी बिलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कहीं आप बिलिंग में कुछ मुझे रिलीफ दे दें। रिलीफ मतलब एक और मैं कंपनी और मेरी मतलब 3-4 कंपनियाँ हैं, एक इंडिविजुअल जिसे हम रन नहीं करते, डमी टाइप की, वो आप उसका एक लाइसेंस लेके आए ना, हम उसके कार्ड बना देंगे आपको जी। लाइसेंस आपने लेके आना सर, हम लाइसेंस होल्डर को कार्ड देते हैं। आप बिजनेस लाइसेंस, हम आपको वे आउट बता देंगे कि यहाँ से लाइसेंस मिल सकता है, आप लाइसेंस ले लेना, कार्ड बनवाएंगे। अच्छा, ये भी रास्ता है? जो भी है, जो बेस्ट होगा बेस्ट हम आपको कर सकते हैं, बट करवाना आप ही को है जी। मैं करवाऊंगा, हम लीगल वे से ही करेंगे, जो करेंगे जी। इलीगल वे हमारे पास वॉलमार्ट में कोई नहीं है जी। आप मेक श्योर कि 25 बंदे से ज़्यादा बंदे ना लेके आना फर्स्ट टाइम जी। वी विल सी देयर बिलिंग, ओके, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वी कैन गिव। वॉलमार्ट के चंडीगढ़ स्टोर पर जो सच्चाई हमारे सामने आई, वो सरकार की आंखें खोल देने वाली थी। अनजाने में ही जो बिजनेस सपोर्ट मैनेजर करुण मलिक ने हमें बताया, वो भारत में FDI की गाइडलाइन का साफ साफ उल्लंघन था। करुण को हमने बताया कि हम हाउसिंग अपार्टमेंट के लोगों को अपना मेंबर बनाकर बेस्ट प्राइस चंडीगढ़ से घरेलू शॉपिंग कराना चाहते हैं। करुण ने हमें अनजाने में ही जो बताया, वो बेहद चौंकाने वाला था। उसने बताया, लेकिन ऑलरेडी हमारे इस एरिया में तो सारे मेंबर जो हैं, सोसाइटी का हो या कोठी का हो या फिर यहाँ का, वो आता ही है यहाँ पर।
किस तरह के हाउसिंग को कवर कर रहे हैं आप? अभी एक जैसे कोई अपार्टमेंट है, मैंने उसमें इंडिविजुअल मेंबर बना लिए, ठीक है, और उनको मैंने बताया कि आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, उनको ट्रैवलिंग फैसिलिटी देंगे और सारा उनको जो भी बेनिफिट हो सकते हैं वो देंगे, और आप यहाँ से हम शॉपिंग कराएंगे उनको, ठीक है, ठीक है, उसके बाद उनसे हमारा एक परसेंटेज तय हो जाएगा, वो हमें देंगे और हम यहाँ से शॉपिंग कराएंगे। तो इस रेट के अलावा आप उससे परसेंटेज लेंगे? हाँ, इसके अलावा पीक एंड ड्रॉप का जो भी होगा, पीक एंड ड्रॉप का तो है वो अलग, और 1-2% और, ज़्यादा नहीं, उनको भी फायदा होगा तभी मेंबर बनेंगे ना मेरे। लेकिन ऑलरेडी हमारे इस एरिया में तो सारे मेंबर जो है सोसाइटी का हो या कोठी का हो या जहाँ का वो आता ही है यहाँ पे। चंडीगढ़ वॉलमार्ट स्टोर के बिजनेस मैनेजर से जब हमने पूछा होलसेल स्टोर में कोई कैसे मेंबर बनकर पर्सनल शॉपिंग कर सकता है, तो तरुण ने जो हमें बताया वह ये जानने के लिए काफ़ी था कि किस तरह वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनियां हमारी सरकार के लचर नियमों का फ़ायदा उठाकर हमारी आंखों में धूल झोंक रही हैं। मलिक ने कहा, हमारे को मतलब नहीं आप लाइसेंस दे के हमें आएँ, आप जितनी मर्जी है शॉपिंग करो, दिन में 5 लाख का या 10 लाख का खरीद लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर आप सामान खरीदते रहो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या अभी फैमिलियां तो कर ही रही शॉपिंग? बिल्कुल कर लीजिए, आप कोई सा फैमिली देखो, हमारे पास राइट नाउ 30,000 मेंबर्स बने हुए हैं स्टोर के अंदर, ठीक है जी, उसमें से 30,000 के अगर मेंबर हैं तो 30,000 हमारे पास लाइसेंसेज भी हैं। सपोज करो 50,000 मेंबर हैं तो 50,000 लाइसेंस है, चाहे इंडिया के अंदर में 72 टाइप्स ऑफ लाइसेंस जो है जो RBI ने उसको वैलिड करके दिया है, इस लाइसेंस के अकॉर्डिंग आप बनोगे। अब होटल्स हैं, फूड लाइसेंस होता है, ड्रगिस्ट दुकान है, ड्रग लाइसेंस होता है, क्या सीन है, ट्रेडिंग का काम है, टीम नंबर वैट नंबर होता है, सब लाइसेंस अलग अलग है, उसके बेस पे ही हम बनाते हैं जी। नहीं, ये तो मतलब ये तो पर्सनल जो शॉपिंग कर रहे हैं, पर्सनल शॉपिंग कोई नहीं कर रहा है, ये सब का कार्ड बना हुआ है, अब वो घर के लिए लिए हो या बाहर के लिए लिए, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। कल की डेट में रेड पड़ती है, अगर लाइसेंस 3 नंबर का दे रखा है और वो शॉपिंग घर के लिए करके जा रहा है, आटे दाल चावल खरीद रहा है, तो गवर्नमेंट उसको पकड़ेगा, हमारे को नहीं पकड़ेगा, हमारे को सिर्फ गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया कि भाई आप लाइसेंस लो, मेंबर बनाओ, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस के अलावा कौन बंदा क्या खरीद के लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए खरीद रहा है, उससे हमारे को नहीं। मान लीजिए पर्सनल हमने आपको सारी फॉर्मेलिटी दे दी और हम पर्सनल शॉपिंग कराते हैं, हमारा कोई कंसर्न नहीं होलसेल बिजनेस से, तब क्या करेंगे आप? हमारे कोई मतलब नहीं, आप लाइसेंस दे के हमें आए, आप जितनी मर्जी शॉपिंग करो, दिन में 5 लाख का या 10 लाख का खरीद लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं, दिन भर आप सामान खरीदते रहो, हमारे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता है ना मैं बता रहा हूँ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे को लाइसेंस दे दिए, हमने आपको मेम्बरशिप बना दी, आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, उसके अकॉर्डिंग आप हमारे को दिए, हमने आपको मेंबर बना दिए, आप उसके बेस पर आप दिन भर सामान यहाँ खरीदते रहो, बाहर तक बेचते जाओ, हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है, ना आपको कोई रोकेगा ना टोकेगा, यहाँ तक हम आपको हेल्प भी करेंगे सामान निकालने में, आपको जितने भी फैसिलिटी होगा स्टोर लेवल पर सारे फैसिलिटी देंगे, लेकिन कल की डेट में कुछ भी आपके ऊपर बात आता है ये क्या हो रहा है, कंजेशन, सामान बेचना भी कोई गलत काम है सर, कोई बिजनेस कर रहा है, बना ही नहीं कर रहा हूँ, आप डिपेंड करता है आप किस व्यू से कैसे क्या कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, ये तो सामान हमने खरीदा, हम किसी को सेल कर रहे हैं, कोई करो या कोई फैमिली मेंबर को हम डायरेक्ट करा रहे हैं, उससे क्या दिक्कत, फैमिली मेंबर को आप लेके नहीं आ सकते ना ऐसे, हम अपने कार्ड पे आप 2 बंदे को ला सकते हैं, लाओ उसको शॉपिंग करा के चले जाओ, फिर आ जाओ, फिर करा दो जी, वही बोल रहे दिन भर आप कराते रहो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 100 बंदों को लेके दो दो करके ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि 100 बंदे को आपने एक साथ लिया एक ही कार्ड पे ठक 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 करवा दिए, वो नहीं होगा, आपने पूरा लाइन लग गया जी एक का हो रहा फिर उसी लाइन पहले एंट्री नहीं होगी, 2 बंदे से वही एंट्री के लिए तो आया हूं मैं आपके पास, नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ने हमारे को बड़ा स्ट्रिक्टली बोला रहा है सर, कौन सा गवर्नमेंट, यहाँ सब पर्सनल शॉपिंग कर रहे हैं सर, वही मैं बोल रहा हूँ, पर्सनल कोई शॉपिंग नहीं है, मैं सर सबको मतलब आप एक का भी हमारे को जाइए और एक का भी कोई सा भी कार्ड लेकर आइए, आप कार्ड तो है सबने, हाँ तो कार्ड कैसे है पहले यही तो बात करना पड़ेगा ना आपको,
कार्ड सबने अब ब्यूटी पार्लर चलाता है, ब्यूटी पार्लर चलाता है, खरीद रहा है यहाँ पे वो आटा दाल चावल। बोल रहा हूँ सर वो कि आपके बिजनेस है मान लो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप आटे चावल दाल का, लेकिन लेके जा रहे हैं आप पेम्पर्स इलेक्ट्रॉनिक सामान मैकेन का वो आलू टिक्की, तो कहाँ जा रहा है? उसके लिए सवाल मैं नहीं कर सकता हूँ आपसे, उसके लिए हमारे को सवाल जवाब करने के लिए कंपनी नहीं रखा है, उसके लिए भी गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स है, एक्साइज है, इनकम है, सब बैठे हुए हैं, जो कि 3 नंबर पे वो ट्रैकिंग ऑनलाइन होती है, ट्रैक कर लिया कि भाई साहब ने। चंडीगढ़ के इस स्टोर में तरुण ने हमारी मुलाकात कराई अपने टीम लीडर विकास शर्मा से। विकास शर्मा ने हमें बताया कि वो हमारे मेंबरों को एक साथ 100 मेंबरों को नहीं लेकिन ब्लॉक में वो हमारे अपार्टमेंट के लोगों को अपने इस स्टोर से घरेलू सामान खरीदने की अनुमति दे सकता है। उसने कहा वो कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने अपने टॉप बॉस से बात कर ली है। था कुछ ऐसा कुछ वो आर्ट पार्ट नहीं था कि एक मेंबर से मैंने मेंबर बना रखे हाउसिंग सोसाइटी में और उनको शॉपिंग कराना है मुझे, तो मैं इकट्ठा बस में लेके आऊँगा और उन्हें शॉपिंग कराऊँगा, ये था। तो आप कह रहे कि एक टाइम में 2 बंदों के अलाउ करेंगे? नहीं आपकी सोसाइटी के, हाँ मेरी सोसाइटी मतलब कंपनी की सोसाइटी नहीं है, मैंने उन्हें मेंबर बना रखा, जो हाउस अपार्टमेंट होते हैं ना उन लोगों के इंडिविजुअल मेंबर बना रखा। लेकिन बिल आपके नाम पे? हाँ बिल मेरे नाम पे कटे, वो पर्सनल शॉपिंग करेंगे। अच्छा तो हाँ एंट्री आप बस एंट्री कितने बंदे होंगे एक टाइम में? 100 बंदे ये है कि 100 भी आ सकते, लेकिन आप जैसे बताएंगे ना तो उस तरीके से कर लेंगे। ब्लॉक्स में दे, ब्लॉक्स में कितना कितना कहाँ से लेके आ रहे हो? मैं ये चंडीगढ़ के आसपास हूँ जी। वो तो हमारा एड्रेस है, वो मैं ले आऊँगा। वॉलमार्ट के लुधियाना स्टोर में हमारी मुलाकात हुई टीम लीडर नितिन से। नितिन ने हमें बताया कि उसके स्टोर में 3 कार्ड पर 9 लोगों का प्रवेश हो सकता है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 2 एड-ऑन कार्ड बनाने की इजाज़त इसलिए दी थी कि यदि सामान ज़्यादा है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की सामान उठाने में मदद करेगा, या पहला कार्ड होल्डर किसी वजह से स्टोर में खरीदारी करने के लिए आने में असमर्थ है तो दूसरा उसकी अथॉरिटी लेटर पर बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के लिए शॉपिंग करेगा। लेकिन कंपनियों ने इस नियम को अपने स्टोर का बिजनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और स्टोर में प्रवेश कार्ड पर लोगों की संख्या बढ़ाकर 9 कर दी। मतलब साफ है अब 9 लोग कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि नितिन ने कोबरा पोस्ट के 30-40 लोगों को पर्सनल शॉपिंग के लिए प्रवेश देने के प्रस्ताव पर अपने अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद हमें एक बार फिर मिलने को कहा। वी विल फॉरवर्ड ए मेल टू द हायर मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट देन यू अलाउ देम, तो जो भी होगा उसके बाद। मेंबरशिप कार्ड बन जाएगा, मेंबरशिप कार्ड के बेसिस पे विद दैट मेंबरशिप वी विल फॉरवर्ड द प्रपोजल टू द मैनेजमेंट कि दिस इज द प्रपोजल, दैट इज अ मेंबर जिसका मेंबरशिप नंबर ये है एंड दे वांट टू डू सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस विद अस एंड दे वांट टू अलाउ यू वांट फ्रॉम अस कि वी अलाउ 30-40 गाइस ऑफ यूअर्स टू एंटर इनसाइड द स्टोर टू द शॉप। ठीक है, पर्सनल शॉपिंग? हाँ, फॉर पर्सनल शॉपिंग, बट जो है वो कार्ड जो है एक ही कार्ड पर बिलिंग होगा और उनका एक बंदा साथ में आएगा, वो हम सारा बाद में फॉर्मुलेट करेंगे थ्रू मेल, हम अप्रूवल लेंगे उनसे, बट है कि इनिशियल प्रोसेस यू शुड हैव अ कार्ड। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप कार्ड बनवा लीजिए, यू कैन नोट डाउन माई नंबर, ठीक है, आई विल फैसिलिटेट यू इन ऑल द थिंग्स, कोई इशू नहीं है, बट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज आपको कार्ड बनवाना जरूरी है। ओके, नहीं कार्ड बन जाएगा फिर तो ये लॉन्ग टाइम आप भेजोगे लीगल प्रोसेस के लिए? वो सर हमें वो विदाउट इसके कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इलीगैलिटी में वॉलमार्ट कोई भी चीज़ नहीं करेगी, ये आपको भी पता है, मतलब आप मैं आई डोंट नो कि आप किस हमारे किस वॉलमार्ट स्टोर से डील कर रहे हैं जिसने आपको विदाउट उसके करवा दिया, बट मेरे ख्याल से उन्होंने भी आपको ये बोला होगा कि आप पहले कार्ड बनवाइए देन देयर आफ्टर। ओके, नहीं कार्ड तो बनवाना है वो तो नहीं, कार्ड आप बनवा लीजिए, इनिशियल स्टेज हुई है, देन आपका जो प्रपोजल होएगा देन वी विल, हमारी जो वीडियो टीम है उसका मैनेजर आपसे आगे मिल लेगा जहाँ भी आप बोलेंगे,
आपके ऑफिस में आ जाएगा, वो भी इशू नहीं है। आप जहाँ कन्वीनियंट आपको लगे आप बुला लीजिए, वहाँ आके आपसे मिल लेगा। तो हो सकता है वो मुझे भेजें या किसको भी भेजें, कोई भी आपका हमारा मैनेजर आपके पास आके मिलेगा, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट समझ लेगा। वैसे मैंने समझ लिया जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। उस हिसाब से विल फॉरवर्ड अ मेल टू द हायर मैनेजमेंट मीन्स टू से इन एचओ कि दिस इज द कंसर्न, कैन यू अलाउ देम। तो जो भी होगा उसके बाद वी विल कम्युनिकेट। ओके ओके। वॉलमार्ट लुधियाना स्टोर में कई परिवार अपने घर के लिए निजी सामान की खरीदारी करते हुए नजर आए। हमने जब उनसे होलसेल स्टोर में घरेलू खरीदारी के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये बेचेंगे नहीं है, घर के लिए लेके जा रहे हैं, घर के लिए सारा सामान आप घर के लिए खरीदते हैं। घर के लिए ही शॉपिंग करते हैं। अच्छा, कार्ड कैसे इजीली बन जाता है घर के लिए कार्ड? हाँ, यहाँ पर उसके मेरे फ्रेंड की शॉप है, उसके ऊपर मेरा कार्ड बना हुआ है। अच्छा, एड ऑन कार्ड है मेरा। एड ऑन कार्ड से फिर आप पर्सनल शॉपिंग कर रहे हैं एड ऑन कार्ड से। पंजाब के शहर भटिंडा के वॉलमार्ट होलसेल स्टोर में भी एफडीआई के बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के नियम कानून को देखने वाला कोई नहीं था। स्टोर में खरीदारी करने वाले अधिकांश लोग अपने घर के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीदारी करते दिखे। इस स्टोर में हमारी पहली मुलाकात हुई टीम लीडर नवजोत से। नवजोत को भी हमने वही पुरानी कहानी सुनाई। नवजोत अपार्टमेंट के लोगों को पर्सनल खरीदारी करवाने के लिए तैयार हो गया। नवजोत ने हमसे कहा कि वह एक साथ 9 लोगों को स्टोर के अंदर खरीदारी की अनुमति दिला सकता है। नवजोत ने कहा, वैसे 9 आते हैं और 10 ले आएंगे, कोई बात नहीं। उनके साथ और कितना 10 तक अलाउ कर देंगे आप? हाँ हाँ, 2 आ सकते हैं ना और एक के साथ। हाँ, 10 बंदे एक टाइम में। वैसे 9 आते हैं और 10 ले आएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, वो मतलब पर्सनल शॉपिंग करेंगे अपना सर? पहले आपकी फर्म के नाम की होगी जी, ठीक है। आपको फर्म को जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो ये बता देंगे जी। वैट नंबर आपका लगेगा, बिल लगेगा, लेटर पैड आप वो तो हाँ हाँ ऑथराइज पर्सन वो लग जाएगा। बिलिंग जितनी भी निकलेगी आपकी, जितने तीनों कार्ड्स पर, वो आपकी फर्म के नाम की निकलेगी। अच्छा, वो पर्सनल के नाम पर नहीं निकलेगी? हाँ ठीक है, वो बिलिंग तो मेरे पे हो जाएगी, लेकिन 10 बंदे जो होंगे वो पर्सनल अपनी घर की शॉपिंग करेंगे। सर हम इस चीज़ को प्रोपगेट नहीं करते जी। मैं अभी बोल रहा हूँ जो शॉप का बिल होगा वो आपके नाम का होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे बाकी वो लोग कर सकते हैं ना अपना पर्सनल शॉपिंग। लायबल आप हो गए वो? हाँ, वो हमारे में होगा। हाँ, तो यही तो मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। हाँ, उनके पास कार्ड होता तो वो शॉपिंग करते। हाँ, फिर हमें बेनिफिट नहीं देते ना। भटिंडा के वॉलमार्ट में हमारे रिपोर्टर की दूसरी मुलाकात हुई असिस्टेंट मैनेजर बंसी से। बंसी ने नवजोत से एक कदम आगे जाकर इस स्टोर में 100 लोगों की पर्सनल खरीदारी का रास्ता सुझाया। बंसी ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि एक साथ 100 लोगों को नहीं पर 9-9 करके वह 100 लोगों को स्टोर में दाखिल करा देगा। आप जो बोलो कि एक टाइम 9-9-9 कर सकते हैं सर, लेकिन हर टाइम वही 3 बंदे आना जरूरी है। मान लो आप अपने 2 और कार्ड बनाए, 2 बंदों के तो 3 हो गए, अब तीनों हमेशा वहीं खड़े रहेंगे। आपके 3 के साथ 6 बंदे और जा सकते हैं एक टाइम पर। ऐसा होगा हर टाइम आप तीनों को आना पड़ेगा, चाहे आप एक टाइम अलाउ करके शॉपिंग करके बाहर चले जाएं, फिर आए, ऐसा हो जाएगा। तो कितना अलाउ कर देंगे आप? एक कार्ड बनाएंगे आपका। हाँ, आपके एक कार्ड में आपको 3 एड ऑन मिल जाएंगे। हाँ, तो 3 के 9 बंदे आ सकते हैं एक टाइम पर। अच्छा, एक टाइम पर 9 बंदे आ सकते हैं आपके साथ। अच्छा, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो तो हाउस वाइफ हैं और अपना मिलिट्री में काम करते हैं, तो घर के लिए परचेजिंग करेंगे, तो उनका इंडिविजुअल कार्ड कुछ भी परचेज कर सकते हैं वो लोग, बट उनके इंडिविजुअल कार्ड हम नहीं बना सकते हैं यहाँ पे। विदाउट वैलिड लाइसेंसेस, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट हम कोई लाइसेंस नहीं। वही तो कह रहा। अच्छा, कितना अलाउ कर सकते हैं? मिनिमम 9 एक कार्ड में, मिनिमम 9 वो तो लिखा हुआ है 9। वही मैक्सिमम 9 बंदे आ सकते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 9 भी वो अपना पर्सनल, उनका आपको पता ही, अपना पर्सनल शॉपिंग करेंगे, बेचेंगे नहीं कहीं सामान वो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अच्छा, ये हो सकता है कि 9-9 करके मैं एंट्री करा दूँ? अभी क्या होता है ना, आपका कार्ड बिजनेस भी हम आपके बिजनेस के नाम से ही करेंगे। आप बाहर कैसे भी परचेस करते हैं, कंजप्शन करते हैं, वो आपके हेड है। हाँ, आप जो बोले कि एक टाइम 9-9-9 कर सकते हैं सर, लेकिन हर टाइम वही 3 बंदे आना जरूरी है,
मान लो आपने दो और कार्ड बनाए दो बंदों के, तो आप तीन हो गए, आप तीनों हमेशा वही खड़े रहेंगे, आपके तीन के साथ छः बंदे हो जाते हैं एक टाइम पे, ऐसा होगा हर टाइम आप तीनों को आना पड़ेगा, चाहे आप एक टाइम अलाउ कर दे शॉपिंग करके फिर बाहर चले जाए, फिर ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा मतलब फिर तो इस तरीके से 100 कर लेंगे शॉपिंग, लेकिन ये वन टाइम पे 100 बंदे इन नहीं होते। नहीं नहीं, हाँ मतलब वो समझ गया मैं, नौ नौ करके एक घंटे शॉपिंग किया निकल गया फिर नौ आ गए, पूरा दिन करते रहे वो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये वन टाइम पे आप खड़े हो गए ऐसा, चलो मैं खड़ा हूँ जी चलो आ जाओ, फिर अंदर गए वो लोग, फिर आप घूम के आ गए, फिर वो लोग मैं खड़ा हो गया जी मेरे साथ आप तीन बंदे, वो नहीं होगा। कोबरा पोस्ट की टीम वॉलमार्ट के दो राज्यों में खुले होलसेल कैश एंड कैरी स्टोर का जायजा लेने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची। राजधानी भोपाल में वॉलमार्ट के दो स्टोर हैं। वॉलमार्ट के ब्रांड बेस्ट प्राइस के पहले स्टोर में हमारी मुलाकात हुई टीम लीडर यतीश और असिस्टेंट मैनेजर दिलीप करैल से। इस टीम लीडर के सामने भी हमने वही पुरानी कहानी दोहराई, उसे बताया हम भोपाल में कई हाउसिंग अपार्टमेंट में लोगों को अपना मेंबर बना चुके हैं और उन मेंबरों को हम बेस्ट प्राइस से सस्ता सामान दिलाना चाहते हैं। हमने उसे बताया कि इस पर्सनल खरीदारी के लिए हम अपार्टमेंट के 100 लोगों को एक साथ खरीदारी कराना चाहते हैं। यतीश ने हमारी टीम से कहा हाँ नहीं ठीक है ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट जो भी मेंबर आता है उनकी सब की बिलिंग आपके नाम पे होगी। आप दिलीप जी? मैं आशीष जी। सेल्स का कौन? दोनों। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मेरा फूड कोर्ट को सप्लाई है, तो मेट्रो से दिल्ली में करता हूँ, आपका मेरठ और कारपोर से भी है जगह जगह, अब मैं भोपाल में अपना बेस बना रहा हूँ, तो उसके साथ मैंने क्या किया है, जो अपार्टमेंट है ना, अच्छे अच्छे अपार्टमेंट हैं, जैसे पारस और भी आपके हैं, तो आपका भोज यूनिवर्सिटी में कुछ इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ के मेंबर्स बना के और उनको मैं यहाँ परचेजिंग कराता हूँ। हाँ, तो क्या है, मैं अपना आपका बिजनेस का सारा फॉर्मेलिटी पूरा करूँगा, कार्ड मेरे बनेंगे और शॉपिंग मैं बस में लेके आऊँगा उनको और शॉपिंग कराऊँगा। ये था, कितने ऐसे लोग लाना चाहते हो? मैं मतलब 100 होंगे बस में, क्योंकि तभी मेरा बनेगा कुछ, अगर दो चार मेंबर्स बनाया मैंने अपार्टमेंट में, किस कभी मतलब आपका पारस से ले आऊँगा, कभी किसी और अपार्टमेंट से, कभी भोज यूनिवर्सिटी से जो हॉस्टल्स हैं, इस टाइप से महीने में दो तीन बार। हाँ, तो इसको अपन स्टार्ट कर सकते हैं ना, आपकी मेंबरशिप तो होगी? मैं लूँगा, आप अगर आप ओके करेंगे तो फिर आने, ठीक है ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। और जो भी मेंबर आते हैं उनकी सबकी बिलिंग आपके नाम पे होगी? मेरे नाम पे होगी, कोई इशू नहीं। प्राइस उनको ओपन हो जाएगा जिस रेट पे बिल हो रहा है? जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनसे अपना परसेंटेज ले रहा हूँ ऑलरेडी, और कन्वेंस का ओपन रहेगा उसमें। हाँ हाँ, तो मतलब ये एक टाइम में 100 लोग आएंगे, आप कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? वो एंट्री करते समय मना कर दें अगर कोई? हाँ, एंट्री के लिए रहेगा, उसका अप्रूवल लेना रहेगा, ऑलरेडी अप्रूवल लेंगे आपका दिन, लेकिन एंट्री के लिए अप्रूवल रहेगा क्योंकि आपका कार्ड रहेगा सिर्फ। हाँ, तो उसके लिए एक अप्रूवल लगेगा। मैं साथ में रहूंगा या फिर जो एड ऑन कार्ड आप बनाते हो दो, वो कोई ना कोई एक मेंबर रहेगा साथ में, और लेकिन वो पर्सनल अपनी पर्सनल शॉपिंग करेंगे, तो घर के लिए करते हैं, हाउस वाइफ्स मैक्सिमम होंगी ना, घरेलू सामान, ठीक है, 1000 रुपये का तो है ही आपका कि 1000 रुपये से कम हाँ, कोई खरीदेगा नहीं, तो कब से शुरू कर सकते हैं आप अपनी मेंबरशिप की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए? जी, एक बार हम लोग अपने हेड ऑफिस पे लगभग 70 to 100 लोगों का जो एंट्री रहेगी उसके अप्रूवल के लिए एक बार मैं बात कर लेता हूँ अपने सीनियर अथॉरिटी से। कोबरा पोस्ट ने अपनी इस छानबीन में पाया कि भोपाल में भी वॉलमार्ट होलसेल के नाम पर रिटेल का कारोबार कर रही है। भोपाल के पहले स्टोर में बिजनेस टू बिजनेस नियम को ताक पर रखकर कंपनी खुदरा व्यापार यानी कि घरेलू ग्राहकों को सीधे तौर पर अपना माल बेच रही है, मतलब अब वॉलमार्ट को FDI में रिटेल के लाइसेंस की भी जरूरत नहीं। वॉलमार्ट के तीसरे राज्य के दौरे के बाद तस्वीर अब और साफ हो चुकी थी कि कैसे एक विदेशी कंपनी FDI होलसेल के लाइसेंस से रिटेल का कारोबार कर रही है। भोपाल के दूसरे स्टोर की तस्वीर भी पहले से जुदा नहीं है। वॉलमार्ट के इस स्टोर में हमारे रिपोर्टर की मुलाकात हुई फ्लोर मैनेजर अनंत से। अनंत ने भी दूसरे स्टोरों की तरह
इस स्टोर में भी हमारे लोगों के लिए बेस्ट प्राइस के दरवाजे खोल दिए और ये फ्लोर मैनेजर 100 लोगों को वॉलमार्ट का माल उपभोक्ता के रूप में बेचने को तैयार हो गया। अनंत का कहना है, आप 10 बार आइए, 30 बार आइए, हमको दिक्कत नहीं है, हमको तो माल बेचना है। फूड कोर्ट को, फूड रेस्टोरेंट को हम सप्लाई करते हैं आप लोगों से खरीद के। बाकी दिल्ली लिम तो मेट्रो है, यहाँ केवल वॉलमार्ट है, तो आपसे ही करना है। तो अभी क्या है कि हमने जो भी यहाँ पर सोसाइटीज हैं दिल्ली में, जैसा मैं कर रहा हूँ, उनको मेंबर बना रखा है, तो उनको हम लेके आते हैं और शॉपिंग कराते हैं। तो उसके रिगार्डिंग बात करनी थी, क्या बेनिफिट देंगे और क्या अलाउ करेंगे, कितने परसेंट को एक टाइम में। नहीं तो आपका बेसिकली क्या है, आपका सोसाइटी है या क्या है? नहीं, हमारा तो बिजनेस कार्ड है, जो मतलब होता है बिजनेस करते हैं, हमारी कंपनी है। अच्छा, हाँ तो ठीक है, उस पर आपका नॉर्मल कार्ड बन जाएगा, मेंबरशिप कार्ड, ठीक है। उसके बाद 1+2 हम लोग अलाउ करते हैं, मतलब एक आपके कार्ड पर दो एड ऑन होंगे, एक बंदे के साथ दो बंदे आ सकते हैं। अब जो आपकी सोसाइटीज़ हैं, तो सोसाइटी का अपार्टमेंट, नहीं नहीं उनका अपार्टमेंट, उनको हमने अपना मेंबर बनाया। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं उन्हें मेंबर बना के और इंडिविजुअल शॉपिंग कराता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट है 0। समझ गया। मैं उनसे अपना कमीशन लेता हूँ, ठीक है। तो उनको बस में लेके आऊँगा, शॉपिंग कराऊँगा। तो आपके सेल्स वाले वो करते हैं सभी जगह, तो सेल्स के आदमी को या फ्लोर मैनेजर को क्या करते? मैं फ्लोर में ही देखता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो लोग एंट्री के समय प्रॉब्लम आएगी तो वो लोग करा सकते हैं बाहर से। तो आप अपना एक बार ये पूरा कर लीजिए जी, जो आप प्लान कर रहे हैं, आप मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप हमें तभी लेने में फ़ायदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप, देखिए। हाँ, वो तो एक जगह इंडिया में कहीं ले लेंगे तो वो तो हर जगह चलेगा। हाँ, तो वो कोई इशू नहीं है। ये बात उसकी, तो वो क्या फ्रिक्वेंसी क्या रहती है आपकी? 100%। नहीं नहीं, मतलब क्या, मंथ में एक बार, दो बार, तीन बार? हाँ, मैक्सिमम तीन। ठीक है, हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, बस में लेके आएंगे और करीब 100 लोग होंगे एक बस में, ठीक है, क्योंकि उससे कम में हमारा पड़ता नहीं है। बराबर है, सही है, आपको भी तो अपना खर्चा, ठीक है। हाँ, बसेस का सारा खर्च निकालेंगे हम, तो 100 लोग एंट्री करेंगे बराबर प्रेजेंट टाइम में, और 100 लोगों के यहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, शॉपिंग करें, बिलिंग में कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीज़ें वो हो जाएगा। और वो पर्सनल शॉपिंग करेंगे अपना घर के सामान खरीदेंगे। जी, हमको उससे मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं जी, काहे के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, हम तो उस कार्ड के ऊपर बिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं जी। नहीं, बिल हमारा हो जाएगा, हमने आपको इंटेंशन अपना क्लियर कर दिया। नहीं, मैं समझ गया, वो कहानी समझ में आ। हाँ, कि मैं मेंबर उनको इंडिविजुअल शॉपिंग करा रहा हूँ, उसके बदले में उनसे मैं कमीशन ले रहा हूँ, उनको रिटेल करा रहा हूँ। मैं समझ रही थी, और कार्ड आर्ड जो फॉर्मेलिटी है मैं पूरा कर रहा हूँ। आप रहेंगे साथ में? मेरा आदमी रहेगा, एड ऑन कार्ड देते हैं ना आप दो, मेरा आदमी रहेगा, ठीक है। उनको उस समय, क्योंकि सारे लोग मतलब रेपुटेटेड फैमिली से हैं, उस समय कोई दिक्कत ना आए किसी को, तो नहीं। वो तो देखिए, वो तो वो हम कर लेंगे यहाँ पर, वो उसके लिए भी कर रहा है, वो कर सकते हैं। नहीं, वो सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, मतलब ये स्पेशल केस में वो भी अप्रूवल लेके, अदरवाइज हम लोग अलाउ ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो बिलिंग में मतलब मेरे ही बिल पे आएंगे वो लोग? आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब महीने में 3 बार आए तो कोई दिक्कत नहीं है? 10 बार आइए, 30 बार आइए, हमको दिक्कत नहीं है, हमको तो माल बेचना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बाद कोबरा पोस्ट की टीम ने अपनी छानबीन को आगे बढ़ाने के लिए वॉलमार्ट स्टोर के एक और राज्य महाराष्ट्र का दौरा किया। वॉलमार्ट ने होलसेल का कारोबार करने के लिए महाराष्ट्र में अपने 2 स्टोर खोले हैं। पहला स्टोर अमरावती में है तो दूसरा औरंगाबाद में। हमारी टीम ने पहले अमरावती का रुख किया, यहाँ हमारी मुलाकात हुई सेल्स मैनेजर हरीश और टीम लीडर प्रदोष से। वॉलमार्ट बेस्ट प्राइस के इन अधिकारियों को भी हमने अपनी वही रटी रटाई कहानी दोहराई। इन दोनों को मामला समझने में देर नहीं लगी। हरीश ने हमसे कहा कि आप 100 लोगों को 3-3 करके स्टोर में शॉपिंग करा सकते हैं। इन्होंने कहा, ऑफिशियली मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है, बट अगर मैं गेट के उस पार खड़ा हूँ तो एक सिंपल लॉजिक है, आपके जो भी 3 कार्ड हैं, 3 आपके पर्सन आएंगे, साथ में 1 कार्ड पर 2 लोगों को अलाउ है, ठीक है, आप वो 3 लोग एग्जिट करें, एंट्री करें, एग्जिट करें, दूसरे 3 को लेकर आएं, 70 लोग, दैट मीन्स लगभग 20 फैमिली, तो उसका एंट्री और एग्जिट कराना है,
आपकी बिलिंग आराम से करवा सकते हैं। तो अभी क्या मुझे मतलब कब से मैं शुरू कर सकता हूँ? अब मैं एक्चुअली 60-70 लोग आएंगे वन टाइम में मेरे कार्ड पे। आप एक मेरा कार्ड होगा, एड ऑन कार्ड हो गए दो, तो मेरा कोई बंदा रहेगा परचेजिंग के टाइम पे, तो उनको क्योंकि रेपुटेटेड फैमिली से सारे होंगे, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, हाउस वाइफ्स होंगी, उनको कोई एंट्री के समय प्रॉब्लम ना आए, ना इजीली सॉल्व कर लें, क्योंकि दो चार मेंबर लाने से मेरा कुछ होगा नहीं। ऑफिशियली मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है, बट अगर मैं गेट के उस पार खड़ा हूँ तो एक सिंपल लॉजिक है, आपके जो भी तीन कार्ड है, तीन आपके पर्सन आएंगे साथ में, उनके एक कार्ड पर दो लोगों को अलाउड है, ठीक है, तो आप वो तीन लोग एग्जिट करें, एंट्री करें, एग्जिट करें, दूसरे तीन को लेकर 70 लोग, दैट मीन्स लगभग लगभग 20 फैमिली, तो उसको एंट्री और एग्जिट करना है, अपनी बिलिंग आराम से करवा सकते हो। नहीं, मैंने आपको सारा मतलब प्रोसेस अपना कोई हिडन नहीं रखा ना, सारा आपको क्लियर कर दिया। मैंने भी मैं आपको जैसा मुझे क्लियर कट बताया है, तो वैसे ही एवरीथिंग इज बीन वेरी क्लियर, क्योंकि एज पर प्रोसेस आई कांट अलाउ एनीवन टू एंटर मोर देन 2% 3% ऑन द कार्ड। तो प्रोसेस बोलता है कि मैं तीन के ऊपर ना लगा, बट बींग आप ट्रांसपेरेंट हो तो ये चीज़ों के लिए हम इस वे में काम कर सकते हैं। तो आप बेसिकली आप जो लोग लाओगे वो अमरावती के होंगे? हाँ, अमरावती के होंगे, क्योंकि नागपुर वाला तो यहाँ आएगा नहीं। कि कार्ड आपको मिल जाएगा तो कार्ड के अगेंस्ट में आप रिटेल कराओगे, होलसेल कराओगे? कार्ड के अगेंस्ट में जैसे कि आपके पास में कार्ड है तो आप यहाँ से परचेसिंग करके घर के लिए लेके जा रहे हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैंने आपको कार्ड दिया है आपको आपको सेल करने के लिए, आपको सेल ना करते हुए आपको घर पे रख रहे हो, वो लोग खुद खरीद रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद आ रहे हैं, अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, अपना मनपसंद सामान खरीद रहे हैं और लेके जा रहे हैं, बस वो आपके कार्ड पे आ रहे हैं। हाँ, कार्ड बस मेरा है बस। महाराष्ट्र के अमरावती के बाद अब कोबरा पोस्ट की टीम अपनी छानबीन को विस्तार देने के लिहाज से पहुंची इसी राज्य के एक और जिले औरंगाबाद में। औरंगाबाद में भी वॉलमार्ट के अन्य होलसेल स्टोर की तरह FDI के बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का कुछ अता पता नहीं था। इस स्टोर का नज़ारा भी पिछले स्टोरों की तरह था। वॉलमार्ट बेस्ट प्राइस के इस स्टोर में भी कुछ घरेलू खरीदार अपने दैनिक उपभोग का सामान खरीदते नजर आए। इस स्टोर में हमारे रिपोर्टर की मुलाकात हुई सेल्स मैनेजर वैभव से। रिपोर्टर ने वही पुरानी स्टोरी सेल्स मैनेजर वैभव के सामने भी दोहराई। सेल्स मैनेजर को हमारे हाउसिंग अपार्टमेंट के लोगों का पर्सनल शॉपिंग करने से कोई आपत्ति नहीं थी। यहां के सेल्स मैनेजर वैभव को FDI की गाइडलाइन भी अच्छी तरह से पता थी, लेकिन फिर भी उसे यह काम करने में कोई हिचक नहीं थी। उसने कहा, 50 लोगों को एक साथ नहीं ले सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ये ऑफ द वे मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपका कार्ड लेकर आप 4-5 लोगों को अंदर लेके जाइए। ऐसे 15 लोग अंदर चले गए, फिर एग्जिट गेट से आपका आदमी कार्ड लेके बाहर आ जाएगा और बाकी 15-20 लोगों को लेके अंदर जाएगा। सप्लाई करना चाहते हैं, हमसे परचेज करना चाहते हैं? मैं एक्चुअली आपसे परचेज करूंगा, आपको सप्लाई नहीं करूंगा। मैं हाउसिंग सोसाइटी जो अपार्टमेंट हैं मैंने उसमें अपने मेंबर बनाए, जैसे आप लोग मुझे मेंबर बनाते हो, मैंने उनको मेंबर बनाया। ओके। और उनको लेके आपके यहाँ रिटेल कराऊंगा, मैं 100 बल्क में लेके आऊँगा बस में, और वो शॉपिंग करेंगे मेरे अकाउंट में। अच्छा, मुझे आपको सारा चीज़ क्लियर करके चलना, इसलिए मैंने पहले बता दिया, फॉर्मेलिटी मैं करूँगा सारी। मेरा बिजनेस कार्ड होगा, एड ऑन कार्ड मेरा होगा, मेरा एक आदमी होगा उस समय जिस पे बिलिंग होगी, ठीक है, तो वो लोग आएंगे शॉपिंग करने, तो उनको यहाँ पर क्योंकि रेपुटेटेड फैमिलीज हैं सभी लोग, तो उनको प्रॉब्लम ना हो एंट्री में, तो इसलिए रिकॉर्डिंग आपसे बात करनी थी। एंट्रीज में ठीक है, मैनेज कर लेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में हो नहीं सकता ना, क्योंकि 2% जैसे बंधन देता है ना वो आप नहीं देते, वैसे हम नहीं देते, तो जो सेल्फ रेट है वही फाइनल होंगे, ठीक है। मैं उनसे 4-5% ले रहा हूँ ना ऑलरेडी। ले रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर एक काम कर सकते हैं आप, 2 ऐड ऑन और बना लो, आपका एक होगा कार्ड, 2 ऐड ऑन तो आप देते ही हैं, 3 तो कार्ड होते हैं, कार्ड है
तो तीन कार्ड पे वैसे भी हम 10 आदमियों को तो अंदर छोड़ सकते हैं, एक आदमी एक के ऊपर तीन को। तो आप आपके जो भी ये रहेंगे क्या बोलते हैं उसको, कलीग्स रहेंगे या कोई आपका नहीं, हाउस वाइफ मैक्स, हाँ मेरा मेरा ऑफिस बॉय होगा, आप किसी भी दो तीन लोगों को भेजते जाइए, हम यहाँ से एंट्री दे देंगे। मतलब एक टाइम में कितना लोग एंट्री दे देंगे? तीन चार लोगों को दे सकते हैं अपन एंट्री? नहीं, तीन चार तो रेगुलर सब जगह मिल जाता है। मुझे चाहिए मतलब वो बैठने की जगह थोड़ी ना, यहाँ बैठने की जगह भी नहीं है, बस में लेके आऊँगा और उनको शॉपिंग करानी है। तो आप मैक्सिमम मतलब 50 लोग भी हो तो 20-25 करके उनको एक साथ नहीं भेज सकते। हाँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो, कि ये ऑफ द वे मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपका कार्ड लेके आप 4-5 लोगों को अंदर लेके जाइए, ऐसे 15 लोग अंदर चले गए, फिर एग्जिट गेट से आपका आदमी कार्ड लेके वापस बाहर आ जाएगा और बाकी 15-20 लोगों को लेके जाएगा अंदर। यहाँ यहाँ इनको प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं नहीं, इनको क्या प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश में वॉलमार्ट ने होलसेल में 100% FDI आने के बाद अपने 3 होलसेल स्टोर खोले, मेरठ, आगरा और लखनऊ। कोबरा पोस्ट की टीम आगरा का जायजा ले चुकी थी। उत्तर प्रदेश के बाकी 2 स्टोरों में क्या चल रहा था यह पता लगाने के लिए हमारी टीम ने मेरठ का रुख किया। मेरठ के स्टोर में हमारी मुलाकात हुई ऑपरेशनल मैनेजर ची यांग से। ची यांग को हमने वही पुरानी कहानी सुनाई। ची यांग ने 10 मेंबरों को एक साथ स्टोर में एंट्री देने से मना कर दिया, लेकिन उसे हमारी पर्सनल खरीदारी से कोई एतराज नहीं था। उसने कहा, नहीं 10 आदमी नहीं हो सकते, लेकिन बारी बारी में आ सकता है, बट नॉट ऑल टुगेदर। देखिए सर, अगर आप पिन नंबर पे बिलिंग करेंगे इट्स नॉट पॉसिबल, आपको मालूम है। बिलिंग तो मेरी होगी लेकिन आप... वो शॉपिंग इंडिविजुअल करेंगे, पर्सनल डिटेल वो आएंगे, मैं ट्रूप को साथ लेके आऊँगा। चॉइसेस योर्स, मैं तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डालना मांगता हूँ। कार्ड आपका है, आपको दिक्कत नहीं होगी? मैं मेरे साथ मतलब 10 लोग हैं या 10 लोग नहीं सर, वो कार्ड है वो ही अलाउड। मुझे पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हमारा जैसे सोसाइटी से टाइगअप है, सोसाइटी में हम लेके चले आए वो तो सारा 10 आदमी नहीं सर, लेकिन कम बारी बारी में आ सकता है, नॉट ऑल टुगेदर। इंडिविजुअल शॉपिंग करेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली मुझे ये जानना है कि मैं फॉर्मेलिटी तो सारी कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर आपके परचेस पर मुझे कोई रोक टोक नहीं है। आप गिविंग योर कार्ड और योर बिजनेस लाइसेंस, आप उस कार्ड पर क्या परचेस करते हैं? अच्छा मुझे मतलब यार आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे इंडिविजुअल शॉपिंग ही करनी है, फॉर्मेलिटी में पूरा कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, मेम्बर भी ला सकता हूँ। आप मुझे एक कार्ड पे 2-3 आदमी आ सकते हैं सर, अलाउड कर दें कौन मोड़े ना, लेकिन वो सारे इंडिविजुअल पर्सनल शॉपिंग करेंगे सर। सर पर्सनल शॉपिंग सर इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। कार्ड आपको दिया गया उन्हें बिजनेस लाइसेंस, अभी आप उस कार्ड को कैसे यूज करते हैं सर? हम चाहते हैं कि आप बिजनेस के लिए यूज़ करें, मगर सम पर्सनल रिक्वायरमेंट आता तो आप कर सकते हैं। मतलब सही है ये ना हो कि आप लोग प्रॉब्लम, मैं कार्ड ही इसी पर्पज से बनाऊँ। सर देखिए आपके बिजनेस में मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, बिकॉज हम जब करते हैं आपको मालूम नहीं है। आई नो यू बाई मिस्टर, आपका नाम, आपका फॉर्म का नाम, आपका फॉर्म क्या डील करता है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू नो। ओनली क्राइटेरिया है लाइसेंस के कार्ड बनेंगे, व्हेन यू कम टू ऑफिस यू हैव टू कैरी योर कार्ड। मेरठ के इसी स्टोर में हमारे रिपोर्टर की मुलाकात हुई स्टोर के एक और सीनियर अधिकारी प्रवीण शर्मा से। प्रवीण शर्मा ने हमें पर्सनल शॉपिंग के कई अलग अलग रास्ते बताए। प्रवीण शर्मा को हमने साफ साफ बता दिया था कि हमारा इरादा क्या है, लेकिन बावजूद इसके प्रवीण शर्मा ने हमारी गैर कानूनी डील को किसी तरह से रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तो हमें इशारों इशारों में ही बता दिया कि आप ये काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका कार्ड एक बार बन गया, मेरे को डॉक्यूमेंट्स आपसे कभी नहीं चाहिए,
एक बार कार्ड आपका बन गया तो पर्सनल शॉपिंग कर रहे हैं आप, इसको आगे सेल करने के लिए रखते हैं, ये तो आपका डिसीजन है। मेरे पास सोसाइटियों से भी टाई अप है, जैसे कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, तो उसमें 1,000 लोग रहते हैं, तो हमारा उनसे भी है कि हम उनको लेके इंडिविजुअल लेके आए हैं और शॉपिंग कराते हैं। मतलब उनको आप लेके आएंगे साथ में, कितने लोगों को? वो तो आप बताओगे कितना कितना ला सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर एक डिमांड लेके आ जाओ, आप 10 लोगों की 20 लोगों की डिमांड पर इकट्ठे वो सामान ले जाके उनको सप्लाई करते हैं। नहीं, वो साथ में आए, अपने चूज करें अपने पसंद। वैसे 50 लोग आप लेके आने लगे या 20 लोग लेके आने लगे, थोड़ा थोड़ा 5-5 करके लेके 2-3 लोगों को, ये तो आपका डिसीजन है। अब हम कार्ड पर इसको शॉपिंग करा दें और जनरली हम एक आदमी के साथ 2-3 लोगों को अलाउ करते हैं, तो अपना पर्सनल शॉपिंग करते हैं, तो आपका डिसीजन है कि आप क्या। देखिए, मेरा जो स्टोर है वो होलसेल पर, या तो आप आइटम लेके रिसेल करें या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कंजप्शन के लिए हो सकता है। तो बेटर ये है कि अगर आपकी सोसाइटी में हाउसिंग लोगों की, आप रेजिडेंशियल टाउनशिप है, आपकी सोसाइटी में हाउसिंग करने यहाँ रहते हैं, तो बेटर ये है कि आप एक काउंटर बनाओ वहाँ पर, आप वहाँ पर एक शॉप मैनेज करो, तीनों स्टोर आपकी रीच में है, आप एक असॉर्टमेंट बनाओ, आप बेटर प्राइस दे पाओ। पर्टिकुलर मेरा यही था कि हम फॉर्मेलिटी आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे कर रहे हैं, लेकिन मेरा इंडिविजुअल शॉपिंग पे ही करना चाहता हूँ इंडिविजुअल शॉपिंग, लेकिन डॉक्यूमेंट मैं आपके पूरे कर रहा हूँ। आपका कार्ड एक बार बन गया, मेरे को डॉक्यूमेंट आपसे कंप्लीट चाहिए, एक बार आपका कार्ड बन गया तो इट्स टोटली योर डिसीजन। आप पर्सनल शॉपिंग कर रहे हैं, आप उसको आगे रिसीव करने के लिए खरीदते हैं, तो आपका डिसीजन। मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में भी वॉलमार्ट बेस्ट प्राइस का एक ऐसा स्टोर और भी मिला जो केवल बिजनेस टू बिजनेस होलसेल कारोबार कर रहा था। हमारे प्रपोजल के बावजूद स्टोर का मैनेजर रिटेल का कारोबार करने को तैयार नहीं दिखा। अमेरिका से लौटे स्टोर मैनेजर अश्वनी भुजरा ने FDI के नियमों का हवाला देकर किसी भी घरेलू उपभोक्ता को शॉपिंग कराने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हमने ऐसा किया तो FDI के नियमों की अनदेखी करने के मामले में हमारा स्टोर बंद हो जाएगा। उसने कहा, नहीं नहीं, वो तो गवर्नमेंट का लॉ है, स्टोर बंद हो जाएगा, मेरा डिफॉल्ट हो गया तो स्टोर भी बंद हो सकता है कानूनन। स्टार्ट कर सकते हैं ना आप, इनिशियली अपने कार्ड की डिटेल, एक इनिशियल अपना कार्ड तो बनवाई लो, उसकी कॉस्ट तो है, कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है ना कार्ड के, कार्ड तो फ्री है ना अपना। हाँ, कार्ड बन जाएगा। हाँ, कार्ड बन जाएगा, फिर उस कार्ड के बिहाफ पे हम आगे CNC ऑपरेशन से एक बार बात करके देखते हैं, लेकिन एक बेस तो बने पहले, ऐसे ईमेल भेजने का हम कोई फायदा नहीं। अच्छा। पहले आप मेंबर बन जाओ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं होता है, एक अपने मेंबरशिप। अच्छा, आपका मतलब आप अपने बिहाफ पे कितने लोगों के अलाउ कर सकते हैं? दो, हमारा जो एज पर गवर्नमेंट नहीं, मतलब गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है। अच्छा, एज पर लीगली गवर्नमेंट का तो कोई है नहीं कि कितने मेंबर बनाएंगे आप? दो मेंबर्स हैं, दो है ना एड ऑन कार्ड? नहीं, गवर्नमेंट तीन कार्ड है, तीन कार्ड, वो तो दो एड ऑन, एक ही एक मेंबर होता है, एक तो मेंबर हो गया, दो एड ऑन हो गया, तो एक आपका हो गया, आपके साथ दो एड ऑन हो सकते कोई भी एक्चुअल। अच्छा, और रिलीफ आप नहीं दे पाएंगे? और नहीं नहीं, वो तो गवर्नमेंट का लॉ है, स्टोर बंद हो जाएगा, फिर आप डिफॉल्ट हो गया तो स्टोर भी बंद हो सकता है, कानून है, कानून तो अप्रूवल लेंगे उसके बाद आप हमें। आप एक बेस बनाएंगे पहले, तो आपके बेस पे हम CNC ऑपरेशन टीम हमारी स्पेशल केस में, हाँ उसमें हम बात करेंगे, लीगल डिपार्टमेंट से बात करके एडवाइस लेंगे। हमारे हमारी भी इच्छा होती है सब दुनिया हमारे यहाँ से आए शॉपिंग करें, लेकिन आपको मालूम है FDI कंडीशंस है, गवर्नमेंट ने जो लगा रखी है उससे अपन गड़बड़ नहीं कर सकते, नहीं तो करते तो हैं पर्सनली होम शॉपिंग। पर्सनली तो ये है ना कि दो एड ऑन कार्ड है ना, जैसे मैं हमें तो अलाउड नहीं है कर, एक सेकेंड मैडम जरा आप, जैसे एड ऑन कार्ड जो है कोई भी दो एड ऑन हो सकते हैं, आप बिजनेस मेंबर हैं जो आपके दो एड ऑन हैं उनको बिजनेस मेंबर होना जरूरी नहीं है, वो आपके चाचा भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, वो अपने घर के लिए शॉपिंग कर, हाँ घर के लिए शॉपिंग कर, तो वो इनिशियल जो मेंबर है वो हमें लाइसेंस चाहिए, कोई भी लाइसेंस। राजस्थान में वॉलमार्ट का एक ही होलसेल कैश एंड कैरी स्टोर है। वॉलमार्ट के दूसरे स्टोरों से अनजान कोटा का ये होलसेल स्टोर भी इंदौर के स्टोर की तरह नियम और कायदे से चल रहा है।
कोटा के इस स्टोर में हमारी मुलाकात हुई फ्लोर मैनेजर अमित से। फ्लोर मैनेजर को हमने जब अपनी कहानी सुनाई तो हमारी इस नाजायज डील को वॉलमार्ट स्टोर के इस ईमानदार मैनेजर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। फ्लोर मैनेजर का जवाब था कि आप हमें करोड़ों का भी बिजनेस दें तो भी हम अपने नियम नहीं तोड़ेंगे। सर यहाँ पर जो कार्ड के रेगुलेशंस उसको कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे कोई वीपी नहीं आ जाए, है ना। ये क्या है कि कार्ड पे दो ही लोग अलाउड है और जिसका कार्ड है उसका कार्ड होल्डर का होना जरूरी। ये दो चीज़ ऐसे हैं जिसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, चाहे अरबों का धंधा आ जाए, गड़बड़ कभी नहीं, इस चीज़ को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी मतलब आपको तो मैंने बता दिया है कि कार्ड चलिए हम आ गए हैं आपके पास में, लेकिन इंटेंशन हमने आपको बता दिया कि हमारा पर्सनल पर्पज हम घर के लिए शॉपिंग करना चाहें और दो कार्ड आपने जो बनाया है वो भी घर के लिए अगर शॉपिंग करें उससे घर के लिए शॉपिंग करने से कोई दिक्कत, मेरा पर्पज ही है घर के लिए शॉपिंग करना। मुझे कैसे मालूम चाहिए मतलब क्या पर्पज है? आप तो ऑफिशियली उसके लिए ले जाओ यहाँ पे। सर अगर कोई पर्सन यूज भी करता तो वी आर नॉट एबल टू ट्रैक इट नाउ, वी आर तो ओनली कंसर्न कि वो ऑफिशियली है ऐसा, तो सर मतलब हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। हालांकि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम बिजनेस हाउसेस को सर्व करें, अब ये आपके ऊपर है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि आप। वॉलमार्ट के इस स्टोर में फ्लोर मैनेजर ने तो कोबरा पोस्ट की टीम को हालांकि किसी भी अवैध डील से साफ मना कर दिया, लेकिन कोटा के इस स्टोर में घरेलू उपभोक्ता जिनका बिजनेस से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं था, ये घरेलू उपभोक्ता FDI के नियमों की खामियों का फायदा उठाकर खुद के प्रयोग के लिए किसी डमी बिजनेस कार्ड के जरिए जमकर इस स्टोर से खरीदारी कर FDI के बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। नहीं, ये सब हमारा घर का है, घर के लिए। हाँ, ये घर के लिए है, ये दिस नॉट फॉर सेल। हमारे साथ मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है और बाकी हमने सभी सामान लिया है पूरा महीने का, जो समस्त घर में दैनिक यूज का सामान और बाकी खाने पीने का सामान सब लिया है।